सिंघम अगेन के टीजर के बारे में बात करूंगा मैं यहाँ पे। जो लोग बोल रहे हैं कि भाई अपडेट्स नहीं दे रहा हूँ मैं अजय के, ऐसा नहीं है यार। अपडेट्स देखो, जब भी कोई अपडेट्स आने वाले होते हैं तो ही मैं देता हूँ, आप लोग जानते हो। और मुझे ना वो बेवजह का कुछ, जो हमारे यूट्यूबर्स देखे हैं मैंने कुछ, है जो अजय की कोई अपडेट अगर आ भी नहीं रही है तो भी वो देते रहते हैं। पता नहीं कैसे उनको मिल जाती है अपडेट्स, तो मैं दे दूंगा वैसा कुछ नहीं। अगर कोई अपडेट्स आएगी तो अभी वो सन ऑफ सरदार 2K की कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। हाँ, तो वो जाने दो, उसको लेके मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। शाम को लाइव आने की कोशिश करूँगा, उसमें थोड़ा डिटेल की चर्चा करेंगे उसके बारे में। और एनीवे चलो, और कभी कभी यार जब लाइव आता हूँ मैं, कभी कभी कुछ टॉपिक बात करते रहता हूँ तो कुछ मैसेजेस मिस हो जाते हैं, तो उसके लिए सो सॉरी यार। स्क्रॉल करके भी वो आता नहीं है बाद में। एनीवे चलो, वो बाद में बात करेंगे। आज यहाँ पे मैं सिंघम अगेन को लेके ही बात करने आया हूँ, ना कि भूल भुलैया 3 का अपडेट। क्योंकि भूल भुलैया का मैंने सुना है 2-3 दिन के अंदर अंदर टीज़र आने वाला है। वो अपडेट मैंने ऑलरेडी दी है। अब सिंघम अगेन को लेके बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई अभी तक इन लोगों ने सिंघम अगेन को लेकर कोई भी अपडेट्स नहीं दी है, तो आपको क्या लगता है कि पोस्टपोन हो सकती है क्या फिल्म? पोस्टपोन नहीं लगता है मुझे, क्योंकि भाई देखो दिवाली रिलीज़ है, कौन छोड़ता है दिवाली रिलीज़? ये बोलो आप, ये बोलोगे कि यार 15th को अगर आएगी फिल्म बाय चांस, अगर क्लैश टालना है मान के चलो, तो होता क्या है मालूम है ऐसे में? ये लोग क्यों क्लैश करते हैं, उसके पीछे रीज़न, एक तो बॉलीवुड में यूनिटी नहीं है, दूसरी बात क्लैश करने का रीज़न ये है, अगर भूल भुलैया अकेले दिवाली पे आ गई, मतलब बॉलीवुड की तरफ से सिर्फ एक बड़ी फिल्म आ गई, तो उनको जो फ़ायदा होगा ना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। भले 15th को अगर सिंघम वाले बोले कि नहीं हम क्लैश नहीं करेंगे, तो जो उनको चाहे कुछ भी हो कि ज़्यादा स्क्रीन वगैरह बाद में भी अगर मिलते, पर कभी कभी लॉस भी होता है ऐसे में, तो ये लोग क्लैश करना ज़्यादा इजी समझते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्रीन्स इक्वल मिलते हैं और दोनों भी बड़ी बजट अगर फिल्म है तो थिएटर ओनर्स भी दोनों, अब पार्ट 3 है दोनों का, तो थिएटर ओनर्स भी लोग ऐसा देखते हैं कि कुछ थिएटर ओनर्स सिंघम को कैप्चर कर लेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं भूल भुलैया ज़्यादा बेटर। अपने अपने एरिया में कौन से एक्टर ने क्या क्या कितना तगड़ा कमाया। अगर मैं मुंबई की बात करूँ, मार्केट अजय देवगन का बहुत तगड़ा है वहाँ पे, मुंबई स्पेशल, महाराष्ट्र मुंबई, बिकॉज ऑफ तानाजी, बिकॉज ऑफ विजय सालगांवकर कैरेक्टर, वो एक एडवांटेज होता है। हमारे यहाँ पे तो भाई है कि अजय को स्क्रीन्स मिल जाएंगे, बट क्या है कभी कभी, पर आप ये नहीं देखते हो कि भूल भुलैया जो है वो एक ऐसी भी फिल्म है जो मल्टीप्लेक्स में ज़्यादा चल सकती है। अच्छा, सिंघम भी चलेगी नो डाउट, बट सिंघम के लिए एक ज़्यादा एडवांटेज ये होगा जो गदर का था, सिंगल स्क्रीन ऑडियंस। बट एक बात बोलूँ, जो लोग ये बोलेंगे कि सिर्फ सिंगल स्क्रीन भूल भुलैया को नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है, मिलेगी, क्योंकि भाई मिलेगी। भूल भुलैया 3 भी हॉरर कॉमेडी फिल्म है, हॉरर कॉमेडी को भी बहुत तगड़ा आजकल, और आप जानते हो कि अभी तो बहुत सही चल रहा है। तो यही है कि सिंघम अगेन का जो लोग बोल रहे कि भाई क्या पोस्टपोन होगी, पोस्टपोन नहीं होगी, मोस्ट ऑफ द चांसेस लग नहीं रहा है पोस्टपोन होगी। जो अपडेट्स फैला रहे कुछ यूट्यूबर्स, नहीं होगी, अभी अभी तो लग रहा है टीज़र के वक्त ये लोग विथ रिलीज डेट आने वाले हैं, सुना है। अब वो रिलीज डेट सच में दिवाली है या क्या है ये पता चलेगा तभी, क्योंकि भाई भूल भुलैया वाले पहले रिलीज़ कर रहे हैं टीज़र, उनका भी रिलीज डेट कंफर्म आ जाएगा, इनका भी आएगा, 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन मैं रिलीज़ पोस्टपोन होगी, कोई भी अगर पोस्टपोन कर देगा ना वो ज़्यादा लॉस में जाएगा, चाहे वो भूल भुलैया वाला हो या सिंघम वाला। लॉस में मतलब लॉस में नहीं, फिल्म में दोनों भी वैसे भी चलेगी, अगर ये साथ भी आए या फिर नहीं भी आए ये चलेगी, बट क्या है कि जो क्लैश में फ़ायदा है ना वो बाकी नहीं है। क्योंकि बाद में जब भी अगर मान के चलो कि भूल भुलैया दिवाली पे आ जाती है, सिंघम बाद में आती, लेकिन भूल भुलैया तगड़ी चल गई, तो थिएटर ओनर ये भी सोचते हैं कि यार हम नई फिल्म के लिए इसके स्क्रीन्स क्यों हटाए, कभी कभी स्क्रीन्स का गड़बड़ हो जाता है। सेम भूल भुलैया वाले भी करेंगे कि अगर सिंघम रिलीज़ होगी और भूल भुलैया आगे गई, तो वो भी ये सोचेंगे ऐसा क्यों भाई, ऐसा ना हो जाता है ये, तो ये मार्केटिंग है सब। तो पोस्टपोन नहीं होगी, क्लैश कंफर्म लग रहा है। ओके, और जो भी है अपना सपोर्ट दोनों भी फिल्म्स को रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या सिंघम पेलेगा भूल भुलैया को या फिर भूल भुलैया पेलेगी सिंघम को? कमेंट्स में ज़रूर बताइए आप अपना सपोर्ट किसको है और क्यों है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपडेट्स आते रहेंगे।
एंड आप ये एक्सपेक्ट कर लो 30 अगस्त या 29 अगस्त को आपको टीजर देखने को सिंघम अगेन का मिलेगा, अगर दिवाली रिलीज है तो देखते हैं।